हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज़ विकास राणा स्टूडेंट्स हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी पी मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं हमारा जो सेशन है हमारा जो कोर्सेज है, है ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन हैं हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपको कॉन्टेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको क्या करना है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से जो कि आप इजीली कैरियर क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड वन

नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको हंड्रेड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पी मिलेगी वो आप रिविजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपेरियंट्स हैं इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं चाहे वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश त्रिपुरा तेलंगाना कोई भी स्टेट हो नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स स्पोर्ट्स डिफेंस साइंस एंड एंड टेक्नोलॉजी एप्स वेब पोर्टल्स नेम द टॉपिक और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जो भी एमओयू किए जाते हैं जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर सेवन सिक्स डबल सेवन ट्रिपल थ्री एट सिक्स टू या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अफेयर्स क्लाउड अंडर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं कोड और याद रखना वो है विकास टैन अगर आपको 10 परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं आपको क्रैक 10 के अलावा 10 परसेंट का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड वेबसाइट से रिलेटेड या आपका कोर्स परचेज़ नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया पैसे कट गए या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर नाइन या फिर आप मेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट ऑफ फेयर क्लाउड डॉट कॉम पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हेलो एवरीवन सो आज की वीडियो में हम एक दो और तीन अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा एंड तक बने रहिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इन्होंने अभी एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि अमेंड कर रहा है आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को ऑफ नाइनटीन यहाँ पे कुछ हम प्रोविजंस देखेंगे क्या आया है एक यहाँ पे सबसे पहले टर्म याद रखेंगे एमएसओ एमएसओ क्या होता है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स और ये मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स कौन होते हैं ये वो केबल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग सर्विसेज रिसीव की जाती है फ्रॉम ब्रॉडकास्टर या फिर जो भी ऑथराइज एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग की सर्विस रिसीव की जाती है जैसे मतलब कौन सा प्रोग्राम कहाँ चलेगा कितना चलेगा कितने लेंथ तक चलेगा वो सारी चीज़ करेक्ट तो एमएस टर्म याद रखेंगे तो अभी क्या प्रोविजन ऐड किया गया है यहां पे कि जो भी केबल ऑपरेटर्स है ना वो शेयर करेंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विद द ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर कि जो भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर होगा उनको ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे उनके साथ शेयर करेंगे पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फॉर्मर प्रोसीजर फॉर द रिन्यूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए जो भी रिन्यूवल का प्रोसेस है ना उसमें इन्होंने एक दो चीज़ ऐड करी है जिसमें से एक है कि जो प्रोसेसिंग फीस होगी ना यहाँ पे वो वन लाख रुपीज होगी फॉर एम एंड वहीं पर जो आपका रिन्यूबल होगा उसकी ड्यूरेशन क्या होगी अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है एम एस ओ अप्रूव हो जाती है या फिर आपको रिन्यूबल कराना है तो उसके लिए जो ड्यूरेशन आपका होगा वो कितना होगा दस साल का यहाँ पे आपको रिन्यूबल मिलेगा ठीक है तो ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आप याद रख कर चलेंगे फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट कौन सी बनी जहाँ पर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बन गई है वो है राजस्थान ठीक है फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए अभी रिसेंटली ऑपरेशन ये ऑपरेशन ब्रॉडर वार्ड किन दो कंट्रीज के बीच में था इंडिया एंड यूएसए के बीच में हमें यह देखने को मिला था इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए मिशन शक्ति स्कूटर योजना मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया मिशन शक्ति स्कूटर योजना तो ओडिशा स्टेट के द्वारा एंड ओडिशा के द्वारा मो जंगल जामी योजना भी लॉन्च की गई थी इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली भारत मंडपम ये कहाँ पर लोकेटेड है भारत मंडपम याद रखेंगे ये जी ट्वेंटी का इवेंट था जहां पर हुआ था जी ट्वेंटी का आपका आपका कॉम्प्लेक्स था जहां पर हमें ये इवेंट देखने को मिला था और ये कहां पर है न्यू दिल्ली में ठीक है फिर इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन बने गए हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कौन बन गए हैं नवीन पटनायक ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डी ई ए डीईए क्या है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तो डीईए ने यहां पर अभी रिसेंटली जो फाइव ईयर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है उसका जो इंटरेस्ट रेट है जो कि पहले बेसिस पॉइंट फाइव परसेंट था उसको ऑफ फिस्कल ईयर सेविंग स्कीम्स के लिए एक साल के लिए वो कितना है सिक्स पॉइंट साल के लिए सात तीन साल के लिए सात पांच साल के लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और फाइव ईयर के लिए रिकरिंग डिपॉजिट की जो स्कीम रहेगी वो सिक्स पॉइंट फाइव से बढ़ाकर आप सिक्स पॉइंट सेवन करती गई है अगर मैं बात करूँ पीपीएफ की तो 7.1% ठीक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो 8.2% मंथली इनकम फॉर पोस्ट ऑफिस कितनी आ जाती है 7.4% ठीक है और यहीं पर अगर बात करूं मैं किसान विकास पात्रा स्कीम की जिसमें 115 महीने का मैच्योर मंथ्स का टाइम रहता है यहां पर 7.5% इंटरेस्ट रहेगा फिर इसी के साथ साथ एक डाटा रिलीज किया गया आर के द्वारा और इन्होंने बताया कि जो सेविंग रेट रहा है वो एक हिस्टोरिक लो पे रहा है फाइव ऑफ द जी इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी थ्री एंड इसके बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन हो सकता है राइट कोविड की वजह से जो आपका मेडिकल इनकम बढ़ी वो हो सकता है एंड कोविड के टाइम पे लोगों का जो सेविंग्स थी क्योंकि वही खर्च हुई जॉब सब कई सर जगह लॉकडाउन था राइट तो लोगों की सेविंग्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला फिर इसी के साथ साथ बताइए फिफ्टीथ जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ पर हुई थी तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी करेक्ट फिर अभी किस बैंक ने अपना एक इनाग्रेट किया है बैंकिंग यूनिट एट जिफ्ट सिटी तो वो है बैंक ऑफ इंडिया ने इनाग्रेट किया आईएफएससी बैंकिंग यूनिट जिफ्ट सिटी में और ये जिफ्ट सिटी कहाँ है गांधीनगर गुजरात में फिर अभी एक जिमेक्स जी आई एम ई एक्स ये एक्सरसाइज हुई थी किन दो कंट्रीज के बीच में इंडिया एंड जापान के बीच में लोकेशन पूछी जाए तो विशाखापट्टनम ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी जिमैक्स कहां पर विशाखापट्टनम में ठीक है फिर इसी के साथ साथ इंडिया वो कौन सा कंट्री बन गया जिसने लैंड किया है मून पर यूजिंग चंद्रयान थ्री तो वो फोर्थ कंट्री बन गया एंड साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है. ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती मैक्स वर्स्ट ने और मैक्स वर्स्टन वो रेसर बन गए हैं जिन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है टू विन टेन कॉन्जिक्यूटिव एफ वन रेसेस राइट और मैक्स किसके लिए ड्राइव करते हैं के लिए देन ओपन ओपन किसने जीता तो वो लक्ष्य सेन के द्वारा कैनेडा ओपन जीता गया है ठीक है फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया था नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है इंडिया ने रिटेन की फोर्टियथ रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसमें हम बात करते हैं इनोवेशन की कि कौन सी कंट्री कितनी इनोवेशन कर रही है चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो किसी भी सेक्टर में राइट तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये रिलीज किसके द्वारा करा गया था तो डब्ल्यू के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है जो कि है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू राइट right? इनके द्वारा ये सिक्सटीन एडिशन था जो अभी ऑब्जर्व किया गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का यहाँ पर इंडिया की रैंक रहेगी फोर्टी आउट ऑफ वन थर्टी टू कंट्रीज एंड जहाँ पर जिन्होंने टॉप किया यहाँ पर फर्स्ट रैंक रहेगी वो है स्विट्जरलैंड एंड फॉर थर्टीन्थ कॉन्स्टिक्यूटिव टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिला कि स्विट्जरलैंड ने

डब्ल्यू आई पी ओ के द्वारा रिलीज किया गया था और स्विट्जरलैंड ने यहां पर टॉप किया है फॉर थर्टींथ कंसेक्यूटिव टाइम ठीक है फिर हाइएस्ट क्राइम हाइएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट एस सी जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके खिलाफ हाइएस्ट क्राइम रेट किस स्टेट में देखने को मिला मध्य प्रदेश में हाइएस्ट क्राइम रेट देखने को मिला फिर यूपी गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट या फिर यूपी गवर्नमेंट ने जो आपके डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज है ना गवर्नमेंट डॉक्टर्स की क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो होते हैं वो तो कभी भी रिटायर हो सकते हैं राइट ना भी हो लेकिन गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको कितना कर दिया गया अब पैंसठ साल कर दिया गया ठीक है फिर हम देख चुके हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है नवीन पटनायक फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी सेमिकॉन इंडिया का सेकेंड एडिशन हुआ था सेक्मिकॉन इंडिया का सेकेंड एडिशन देखने को मिला था कहाँ पर देखने को मिला था ये गुजरात में और इसी का अगर फर्स्ट एडिशन पूछ लिया जाए आपसे तो वो कहाँ पर हुआ था बैंगलोर में हुआ था और लास्ट ईयर हुआ था फिर अभी इंडिया ने पांच क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पे साइन किया है एक एमओयू किस कंट्रीज के साथ तो वो लाओस के साथ इंडिया ने ये एक एमओयू साइन किया पांच क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के साथ के लिए राइट right, और ट्विटर का लोगो चेंज हो गया है क्या हो गया वो पहले एक ब्लू बर्ड होता था अब वो एक्स हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है इंडिया एंड अर्जेंटीना इन्होंने साइन किया एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स राइट आई रिपीट एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया फॉर प्रोफेशनल्स किन दो कंट्रीज के बीच में इंडिया एंड अर्जेंटीना के बीच में अब इससे क्या होगा कि अर्जेंटीना में जो भी प्रोफेशनल्स ना एंड वर्कर्स हैं वो बेनिफिट्स वहाँ पे अवेल कर सकते हैं जैसे सोशल सिक्योरिटी का इसी के साथ साथ आपका पेंशनस का एम्प्लॉयड पर्सनस के लिए जो भी आपका रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है राइट उन सब के यहाँ पे बेनिफिट्स आपका ले सकते हैं करेक्ट और दोनों कंट्रीज के बीच में जो मोबिलिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये

अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली एक एम ओ यू सेटअप साइन किया गया है किस कंट्री के साथ ताकि आई आई टी मद्रास का कैंपस वहाँ पर सेटअप किया जा सके तो आई आई टी मद्रास कहाँ सेटअप किया जा रहा है टेंज़ानिया में कहाँ पर टेंज़ानिया में सेटअप किया जा रहा है राइट इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर अभी इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को होस्ट किया है इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को होस्ट करने वाली वो कंट्री कौन है वो है इंडिया एंड कीनिया करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक कैपिटल मैनेजमेंट इन्होंने अभी एक रिफॉर्म लाया और इन्होंने बोला कि आने वाले डेकेड में मतलब आने वाले दस साल में हम हंड्रेड बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे हम हंड्रेड बिलियन डॉलर अमाउंट रिलीज करेंगे ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में हम डेवलपमेंट कर सकें राइट एशिया डेवलपमेंट एशिया पैसिफिक रीजन में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग यहां पर बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं राइट यहां पर हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग करने के लिए कि क्लाइमेट से रिलेटेड हम नए नए वेरियस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकें यहाँ पर हम डेवलपमेंट कर सकें एंड यहाँ पे एक डाटा रिलीज किया गया कि 155 मिलियन पीपल या फिर 3.9 परसेंट ऑफ द रीजन पॉपुलेशन ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है इनकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए एंड इन लोगों को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी राइट right? एंड सिर्फ इनको बेटर लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए ही नहीं यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए राइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये पैसा रिलीज किया जाएगा ये जो फंडिंग है विल वर्क टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया करेक्ट इन्होंने एडवाइस किया रेज एन इली एक्सपेंडिचर बाय थ्री ट्रिलियन डॉलर बाय ट्वेंटी थर्टी इससे क्या होगा ज्यादा मनी स्पेंड करेंगे ये लोग ज्यादा पैसा लॉन्च करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होगी वेरियस प्रोजेक्ट्स में नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट रहेगा माथसुकू असकावा हेडक्वार्टर है मनीला फिलिपींस में और इसको 1966 में स्टेब्लिश करा गया था यहाँ पे 68 एट मेंबर्स रहेंगे ये याद रखना आपको। next, next है आपको नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इन्होंने अभी नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स प्रेजेंट किए फॉर द ईयर ट्वेंटी टू नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स राइट ये अवार्ड्स जो है इनको कब लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा नाइनटीन नाइन्टी टू नाइनटीन नाइन्टी थ्री में इसको लॉन्च किया गया था लेकिन अगर पूछा जाए एन एस ये नेशनल सर्विस स्कीम इसको कब लॉन्च किया गया था तो नेशनल सर्विस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था नाइनटीन सिक्सटी में ये किस लिए दिया जाता है यह अवार्ड ताकि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन किया कम्युनिटी सोशल सर्विस उन लोगों को यहां पर यह प्रेजेंट किया जाता है एंड अभी टू परसेंट को कॉन्ट्रीब्यूट किया गया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विस पे दिया गया राष्ट्रपति भवन में इस अवार्ड से सम्मानित इनको करा गया है अगर मैं नेशनल सर्विस स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टर कौन रहेंगे पंकज कुमार सिंह हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा 1969 में इनको लॉन्च किया गया था और यहां पर एक मोटो रहेगा नेशनल सर्विस स्कीम का वो है नॉट मी बट यू ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है ट्वेंटी 2023 रामानुजन प्राइस अवार्डेड टू मैथमेटिशियन रूजियंग जेंग आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं ये काफी फेमस मैथमेटिशियन है ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है कहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली यूएसए में करेक्ट इनों अभी इन इनको अभी यहाँ पे शस्त्रा जो कि है शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी शस्त्रा रामानुजन प्राइज से इनको सम्मानित करा गया है right? राइट और रामानुजन हम जानते हैं काफी फेमस इंडियन मैथमेटिशियन रह चुके हैं एंड थाांजावु डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जो कि उनकी बर्थ प्लेस है वहां पर इनको यहाँ पर रिंगजेंगैंग को जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं इनको रामानुजन प्राइज से सम्मानित करा जाएगा इसी के अलावा 2022 में रूइजेंगैंग स्लोअन रिसर्च फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर्स हैं किसी भी अर्ली करियर साइंटिफिक रिसर्चर्स को दिए जाते हैं 2022 से 24 के लिए इनको इससे सम्मानित करा गया था करेक्ट चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है आईओ इंडियन ओलंपिक कमेटी राइट आई के द्वारा भी अनाउंस किए गए हैं विनर्स ऑफ द इनॉग्रल आईओसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स

एंड पे गोल क्या था कि हाउस पोर्ट कैन प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट इशू चलिए आईओसी की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे थॉमस बैक हेडक्वार्टर लुजन स्विट्जरलैंड में एंड 1894 में इसको स्टेब्लिश करा गया था फिर इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए अभी गजा कोठा गजा कोठा ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लैमपेन कैंपेन लॉन्च किया गया है तो असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है फ्री आईवीएफ प्रोवाइड कराने की बात किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई गोवा के द्वारा की गई राइट फिर इसी के साथ साथ बताइए जरा हरेला फेस्टिवल कहां पर ऑब्जर्व किया गया था हरेला फेस्टिवल ये कहां पर है उत्तराखंड में ऑब्जर्व किया गया था हरेला फेस्टिवल फिर अभी एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी आपदा राहत कोष आपदा राहत कोश ये क्यों लॉन्च की गई थी और कहाँ लॉन्च की गई थी आपने अगर याद हो तो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी उससे हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी तो उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में यह आपकी आपदा राहत कोश एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया था ठीक है फिर इसी के साथ साथ अभी महाराष्ट्र में कहाँ पर एक पी मित्रा पार्क को इनाग्रेट किया गया तो वो है अमरावती में इसी के साथ एनुअल बोनालू फेस्टिवल कहाँ देखने को मिलता है ये बोनालू फेस्टिवल तो बोनालू फेस्टिवल हमें कहाँ देखने को मिलता है तो ये हैदराबाद में देखने को मिलता है बोनालू फेस्टिवल इसी के साथ साथ अभी हमने देखा था अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो कि हम एक आईआईटी सेटअप कर रहे हैं आईआईटी मद्रास की ब्रांच सेटअप की जा रही है टेंजानिया में राइट अगर यहीं से मैं आपका पूछूँ आई आई का कैंपस कहाँ सेटअप किया जा रहा है तो वो सेटअप किया जा रहा है यू में राइट आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस सेटअप कर रहा है यूएई में आईआईटी मद्रास अपना कैंपस सेटअप कर रहा है टेंजानिया में ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं आई एफ इन्होंने अभी आरबीआई का अप्रूवल रिसीव किया है टू एक्वायर 9.7 पॉइंट सेवन परसेंट स्टेक इन द फेडरल बैंक आई अभी करंटली 1.34 पॉइंट थ्री फोर स्टेक होल्ड करती है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और द वोटिंग राइट इन फेडरल बैंक और इन्होंने अभी रेज किया है 959 करोड़ रुपीस फ्रॉम आई फेडरल बैंक ने ताकि इनका स्टेक 1.34 परसेंट से बढ़ कितना हो जाए 9.7 परसेंट ठीक है फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ कॉमिकॉन इंडिया इनका फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ चेन्नई में देन इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अभी एक जीएसटी भवन इनाग्रेट किया है ये जीएसटी भवन कहाँ पर रहेगा तो ये अगरतला में रहेगा जीएसटी भवन फिर टू डे फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज कहाँ पे अभी इनाग्रेट किया गया था तो टू डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ़ लाइब्रेरीज न्यू डेली में इनाग्रेट किया गया था सिक्सटी एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 के कौन सी स्टेट होस्ट करेगी तो गुजरात के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2024 में सिक्सटी एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है एयर इंडिया इन्होंने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ देयर फर्स्ट एन हंड्रेड एयरक्राफ्ट थ्रू जेफ्ट सिटी आई रिपीट एयर इंडिया ने अभी कंप्लीट कराया एक्विजिशन ऑफ देयर फर्स्ट ए थ्री एयरक्राफ्ट को थ्रू जेफ्ट सिटी राइट एंड एयर इंडिया इज द इंडिया फर्स्ट शेड्यूल करियर टू हैव एक्वायर्ड एन एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम एंटिटी रजिस्टर्ड इन जेफ्ट सिटी और पे ऐसे आपके प्लेन्स ऑर्डर किए गए हैं एंड फाइव ऑफ देम आर शेड्यूल्ड फॉर द डिलीवरी इन मार्च 2024 में इसकी यहाँ पे डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी फिर अभी सेक्स एजुकेशन को किस स्कूल्स में कंपलसरी बना दिया किस कंट्री के तो आयरिश स्कूल्स में जो कि आपके आयरलैंड में होते हैं वहां पे सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है किस कंट्री के स्कूल्स में मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया है अभी पहले लागू था लेकिन अब बैन कर दिया वो है नीदरलैंड इंडिया में तो ऑलरेडी बैन है इंडिया में आप यूज ऐसे नहीं कर सकते करेक्ट तो नीदरलैंड में भी बैन कर दिया आपके मोबाइल फोन्स को फिर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया था कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो तो वहां पे इंडिया की क्या रैंक थी तो एटियथ रैंक पे था हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स में और टॉप करने वाली कंट्री कौन सी थी वो है सिंगापुर नेक्स्ट पे, IGMS जितिंदर ने, जितिंदर पे आ जाते हैं आई जी एम एस टू पॉइंट ओ पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस इंट्री डैशबोर्ड पोर्टल ऑफ डी ए आर पी जी ये लॉन्च किए गए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी आई जी एम एस टू पॉइंट ओ राइट ये आई जी एम ओ आई जी एम एस टू पॉइंट ओ डैशबोर्ड ये क्या किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है एंड इसका एम क्या रहेगा फॉर अपग्रेडिंग की यहां पर बात की गई करेक्ट और यह जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया आई जी एम एस टू पॉइंट ओ पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल इसी के साथ साथ याद रखेंगे स्वच्छता कैंपेन थ्री पॉइंट ओ भी लॉन्च किया गया है एंड प्रिडेंट बुक ई बुक प्रिपेयर जी डी ए पी डी ए आर पी जी के द्वारा लॉन्च की गई है राइट right, करेक्ट तो स्वच्छता कैंपेन भी लॉन्च किया गया कब लॉन्च किया गया सेकेंड अक्टूबर को 2023 में और ये कब तक चलेगा आपका ये इवेंट स्वच्छता कैंपेन तो 31 अक्टूबर तक ये आपका चलेगा दो अक्टूबर को गांधी जयंती थी तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ एक और काफी फेमस व्यक्ति की आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है वो कौन है लाल बहादुर शास्त्री जी ये भी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है महात्मा गांधी का तो सबको याद रहता है लेकिन इसका भूल जाता है ठीक इनका भी आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री जी नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स इन्होंने इंडक्ट किया फर्स्ट ऑफ सिक्स डॉर्नियर डू टू टू एट एयरक्राफ्ट मैनुफेक्चर बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो हॉल के द्वारा भी मैनुफेक्चर किए गए हैं ये डॉर्नियर डू टू टू एट एयरक्राफ्ट एंड छे ये एयरक्राफ्ट को यहाँ पे प्रोक्योर करने की बात की गई बाय इंडियन एयर फोर्स बजट रहेगा सिक्स सिक्स सेवन करोड़ रुपीस एंड ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक मल्टी फंक्शनल लाइट वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेगा जो कि परफॉर्म करता है फंक्शंस फ्रॉम यूटिलिटी एंड कंप्यूटर कम्यूट ट्रांसपोर्टर टू मरीन सर्वेलेंस राइट तो यहाँ पर ये आपका ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है सर्वेलेंस का भी काम करता है और आपके गुड्स को एक जगह से दूसरे ले जाने में भी काफी हेल्पफुल रहेगा डॉन या डू टू टू एट एयरक्राफ्ट और अगर आपको याद होगा सर्वेलेंस के लिए ही इंडियन एयरफोर्स ने ये सेकेंड एयरक्राफ्ट अभी दिया है टू श्रीलंका जो पहला एयरक्राफ्ट दिया था उसको वापस मेंटेनेंस के लिए इंडिया में बुला लिया है और फिर इंडियन एयरफोर्स ने अभी एज अ जेस्टर सेकेंड एयरक्राफ्ट दिया है टू श्रीलंका फॉर सर्वेलेंस पर चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज करेंगे इसका ये है प्रोटो स्टिक्टा आई रिपीट प्रोटोस्टिक्टा आरमेक्डोनिया ये एक नई स्पीशीज है डेम्स की जो भी फाउंड की गई कहां पर वेस्टर्न घाट केरला में करेक्ट याद रखेंगे पुणे के के पर तो इस पर्टिकुलर इंसेक्ट को करेक्ट चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट पीएम मोदी ने रिलीज की चार बुक्स जो कि शोकेस करती हैं जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी सक्सेस को कहां पर हुई लोकेशन क्या थी किन किन चीज़ों पे वर्क किया गया कौन कौन सी आपकी कल वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हुई थी किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे फाइनल स्टेक लिया गया है क्या आपके नए डेक्लरेशन जैसे डेली डेक्लरेशन भी यहाँ पे साइन किया गया था फिर हमने यहीं पे देखा कि अफ्रीकन यूनियन को जी ट्वेंटी के अंडर ऐड कर लिया तो अब वो जी ट्वेंटी वन हो जाएगा फिर हम देखेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पे लॉन्च किया गया इनके बारे में क्या क्या चीज़ें होंगी करेक्ट फिर इंडिया के कल्चर एंड हिस्ट्री uh, के बारे में भी यहाँ पे शोकेस किया गया है इन दीज फोर बुक्स जो कि आपकी ई बुक्स हैं राइट ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे ये अवेलेबल रहेंगी नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं यूएन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे थर्टियथ सितंबर एंड एम क्या रहेगा टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द इन वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड लैंग्वेज प्रोफेशनल्स राइट और थीम याद रखेंगे ट्रांसलेशन अनवेल्स मैनी फेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था तो 2017 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा इनोग्रेट किए गए वेरियस स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स को वर्थ 1021 वन करोड़ रुपीज इसमें से एक स्कीम याद रखेंगे काफ़ी अच्छी रहेगी वो है एक पैनिक बटन और एक जी पी एस यहाँ पे इनो लॉन्च किया गया जो कि आपके पैसेंजर व्हीकल में लगाया जाएगा कि कभी भी ये बेसिकली एम क्यों रहेगा कराया क्यों गया ये पैनिक बटन और जी पी एस ताकि वीमेन सेफ्टी पर वर्क किया जा सके एंड वीमेन का जो ट्रैवल है उसको सेफ़ बनाया जा सके किसी भी इमरजेंसी केस में अगर वीमेन पैनिक बटन को प्रेस करती हैं तो एक सिग्नल आपके जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है पास में जो भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनको यहाँ पर पहुँच जाएगा ताकि वो इन वीमेन की सेफ्टी के लिए इस जीपीएस की मदद से इनकी लोकेशन पे जल्द से जल्द पहुंच सके फिर इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने, ने इनोग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट बायो एथेनॉल डेमोस्ट्रेशन प्लांट गोदी में ताकि बायोफ्यूल को प्रमोट किया जा सके इसी के साथ साथ याद रखेंगे पंद्रह सौ रुपए पर मंथ की पेंशन भी यहां पे लॉन्च की गई है टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय द छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश भागेल ठीक है माँ करेंगे ये आपका नेक्स्ट आ जाता है फिर त्रिपुरा त्रिपुरा वो चौथी स्टेट बन गई है इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक ई e कैबिनेट सिस्टम राइट इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च करने वाली इंडिया की चौथी स्टेट कौन सी बन गई है त्रिपुरा त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में याद रखेंगे इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट किया जा सके एंड जो गवर्नमेंट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन है उसकी डिजिटाइजेशन की जा सके फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और अब त्रिपुरा ये चौथी स्टेट है और ये चार स्टेट्स हैं जिनके द्वारा ई कैबिनेट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है करेक्ट एंड जो ई कैबिनेट सिस्टम रहेगा आपका त्रिपुरा का वो किस पे बेस्ड है वो आपका मॉडल है ऑन द ई कैबिनेट सिस्टम ऑफ उत्तराखंड तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिविजन पर मिनिस्ट्री ऑफ आई बी मेड सिग्निफिकेंट रिविजन टू द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स ऑफ नाइन नाइन फोर ने हाइक किया इंटरेस्ट रेट ऑन फाइव ईयर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम टू सिक्स थर्ड क्वार्टर ऑफ फिजल ट्वेंटी फोर इंडिया ने रिटेन की फोर्टी रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड यहीं पे याद रखेंगे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया इंडिया अर्जेंटीना इनके बीच में एक सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन हुआ फॉर प्रोफेशनल्स ईडी कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स ब्रिंग हंड्रेड बिलियन डॉलर बेनिफिट ओवर द नेक्स्ट डेकेड टू एशिया पैसिफिक सेबी ने एक्सटेंड की डेडलाइन टू एड नोमनीज फॉर द डीमेट अकाउंट होल्डर्स टल थर्टी दिसंबर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रजेंट किया नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी हजार बाईस सस्त्रा रामानुजन प्राइज अवार्डेड टू मैथमेटिशियन इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी अनाउंस द विनर्स ऑफ द इनाग्रल आई ओ सी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड नेक्स्ट आई ने रिवाइज किया रिसीव किया आर का अप्रूवल फॉर एक्वायरिंग 9.7 परसेंट स्टेक इन फेडरल बैंक एयर इंडिया ने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट ए थ्री एयरक्राफ्ट थ्रू जिफ सिटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया आई जी पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस इंट्री डैशबोर्ड पोर्टल ऑफ डी ए आर पी जी आई एफ ने इंडक्ट किया पहला वन ऑफ द सिक्स डॉर्नियर डू टू टू एट एयरक्राफ्ट जो कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा हॉल के द्वारा एंड यही वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स ने श्रीलंका को गिफ्ट दिया था फॉर सर्वेलेंस और अभी सेकेंड ये डॉर्नियर टू टू एट गिफ्ट दिया फॉर सर्वेलेंस प्रोटोस्टिस्टा आर मैकडोनिया ये एक नई स्पीसीज ऑफ डैम्सफ्लाई जो भी डिस्कवर की गई केरला में जो कि वेस्टर्न घाट्स में है पीएम मोदी ने रिलीज की चार बुक्स शो द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंशी सक्सेस एंड इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे तीस सेप्टेम्बर को चीफ मिनिस्टर ऑफ चंडीगढ़ भूपेश भागे जी के द्वारा लॉन्च की गई वेरियस स्कीम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ वन जीरो टू वन करोड़ रुपीज़ त्रिपुरा वो चौथी स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया है तो दोस्तों ये वो हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कुछ रिविजन पार्ट पर रिविजन पार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका तो आइए देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी टी एच ई टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई थी ये जो रैंकिंग है इसमें बताया गया कि जो सभी ऑर्गेनाइजेशन सारे इंस्टीट्यूट में से मिला के देखें तो टॉप किसने किया यहां पर तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यहां पर टॉप रहेगी इससे पहले ये देख लेते हैं टॉप पर कौन सी रही टी एच ई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 की और ये कौन सा एडिशन है ये आपका ट्वेंटी एडिशन रहेगा ठीक है किसने टॉप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सेकंड पे स्टैनफोर्ड यूएसए की थर्ड पे एमआईटी यूएसए की फोर्थ पर हार्वर्ड यूएसए की एंड फिफ्थ पर आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूएसए की है ठीक फिर वापस आते हैं टी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दो के डाटा में अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इंडियन यूनिवर्सिटीज कितनी थी इस पर्टिकुलर लिस्ट में तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में दो की तो टोटल 91 इंडियन यूनिवर्सिटी को लिस्ट किया गया और इन 91 यूनिवर्सिटी में से जिसने टॉप किया वो है आईआईएससी आई बैंगलोर कर्नाटका ने ठीक है ये तो था 2024 की अगर मैं बात करूं 2024-23 की लिस्ट में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज लिस्ट की गई थी तो 75 इंडियन यूनिवर्सिटीज लिस्ट की गई थी जो कि बढ़कर अब 91 हो गई है राइट तो आई ने टॉप किया अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इंडिया फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रहेगा यहां पर और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड कंट्री कौन है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज वो है यूएसए करेक्ट एंड ये ट्वेंटी एडिशन रहेगा आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो कि दो चौबीस की आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग रहेगी फिर अगर टी की बात करू टाइम्स हायर एजुकेशन की तो यहाँ पे सीईओ कौन रहेंगे पॉल रहेगा इसका लंडन, में राइट फिर इसके अलावा, अगर आपसे पूछा जाए बी ट्वेंटी समिट जो कि बिजनेस 20 समिट थी इंडिया की ये कहां पर हुई थी ये आपकी दिल्ली में हुई किधर हुई थी दिल्ली में हुई थी फिर अभी ग्रीन एनर्जी हब को सेटअप करने के लिए किस आईआईटी को अभी 18.6 मिलियन डॉलर का डोनेशन रिसीव हुआ तो वो है आईआईटी बॉम्बे देन किस स्टेट ने अभी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को बैन कर दिया गया नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का फोर्टी सेशन हुआ था और इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सेशन के दौरान याद रखेंगे यहां पर 42 न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट में ऐड किया गया ये जो फोर्टी सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का कहाँ पर हुआ था रियाद सऊदी अरेबिया में देखने को मिला था 25 सितंबर को यह कंक्लूड किया और यहाँ पे 42 न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ऐड किया गया था ये जो कमिटी थी ये चेयर किसके द्वारा की गई थी इट वॉज चेयर बाय एच प्रिंसेस हाफिया अल

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है और याद रखेंगे ये किस स्टेट में रहेगी ये आपकी कर्नाटका में लोकेटेड है होयसाला टेम्पल करेक्ट तो ये हो गया आपका फोर्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रियाद सऊदी अरेबिया में हुई फोर्टी टू नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यहां पर एड करा गया था फिर इसके साथ बताओ अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स किस स्टेट ने इस न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में टॉप किया है तो वो है पंजाब स्टेट ठीक है पंजाब स्टेट फिर इसी के साथ साथ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन फिर कौन सी स्टेट अभी बुंदस लीगा जो कि जर्मनी की प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है उनके साथ एक एमओ साइन कर रहा है ताकि उस स्टेट में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके तो वो कौन सी स्टेट रहेगी महाराष्ट्र स्टेट रहेगी यूथ को प्रमोट करने के लिए कि वो यूथ ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल में इंकरेज हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की यहाँ पे बात की गई ठीक है फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ श्रीलंका में हुआ था नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एम एस स्वामीनाथन जो कि फादर हैं ऑफ़ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इनका रिसेंटली निधन हो गया राइट फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन किससे था ये आपका वीट रेवोल्यूशन से रिलेटेड था करेक्ट एंड यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के इनका 98 की एज में निधन हो गया इन चेन्नई तमिलनाडु 1925 में इनका जन्म हुआ था पदमाश्री से 1967 सिक्सटी भूषण से 1972 एंड पद्मा विभूषण से 1989 में इनको सम्मानित करा गया था तो आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं एंड रिसेंटली इनका निधन हो गया फिर इनके अलावा याद रखेंगे ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑफ़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं ऑफ़ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2013 एंड इन्होंने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को फाउंड किया था इन चेन्नई इन नाइनटीन इनके हम अवार्ड्स यहाँ पे देख ही चुके हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अश्विन दानी आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऑफ एशियन पेंट्स इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ सेवेंटी नाइन इन्होंने एशियन पेंट्स को ज्वाइन किया था नाइनटीन सिक्सटी एट में एज द सीनियर एग्जीक्यूटिव इनका जन्म हुआ था नाइनटीन फोर्टी फोर मुंबई महाराष्ट्र में एंड ही इज़ द सन ऑफ सूर्यकांत दानी जो कि वन ऑफ द को फाउंडर्स थे एशियन पेंट्स के एंड एशियन पेंट इज नाउ अमंग द एशियाज़ बिगेस्ट पेंट कंपनीज विद ऑपरेशन इन नाइनटीन कंट्रीज करेक्ट एंड उनके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का रिसेंटली निधन हो गया नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट दो हजार तेईस तो ये ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फूड लॉस एंड वेस्ट करेक्ट तो फूड के वेस्ट से रिलेटेड कि फूड वेस्ट ना हो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट एंड इसको को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद यू एन फिर यहीं पर आप इसकी थीम याद रखेंगे वो है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम आई रिपीट रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट एंड टेकिंग एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म द फूड सिस्टम ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट की नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिर आपका होमवर्क सेक्शन फर्स्ट भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023 ट्वेंटी यह भी इनाग्रेट किया गया था किस स्टेट में सेकेंड विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और तीसरा आ जाता है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोवर्धन स्कीम तो दोस्तों ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे नीचे कमेंट में आंसर करें इन तीन क्वेश्चंस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बेनिफिशियल रहेगा आपके रिसर्च के लिए क्योंकि खुद आप रिसर्च करके कुछ चीजें ढूंढेंगे ना तो आपको उससे बहुत ज्यादा याद रहने वाला है सो देट्स ऑल्व फॉर द डे फ्रेंड्स सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर से करें या कमेंट करके बताएं कि आपके क्या व्यूज रहेंगे हमारे सेशन के ऊपर अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम डेली बेसिस पे लाते रहें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सो दैट्स दैट्स ऑल ऑल फॉर फॉर द द द डे 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 थैंक यू यू एंड हैव अ नाइस फ्रेंड्स आई होप एंजॉयड सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube चैनल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम यू चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अस एट अफेयर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट और द Of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs underscore official. In the end, friends, if you use a code that is VikaS10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and i assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue